हटका के और किसी को फंसा देना, किसी को हटा देना, इस पर जो राजनीति आके आज कांटी में टिक गई है, ये एनटीपीसी का छाई हो प्रकाश जी, चाहे आपको है क्या कहते हैं कांटी थर्मल पावर का रैक हो, इनसे किनको छटपटाहट है ये पूरा कांटी जानता है। आज भी रैक पर कैसे मजदूरों का पैसा खाया जाता है, जो कांटी रेलवे रैक है, किसी का पुत्र गया है, किसी का कोख उजड़ गया है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और इस कांटी और इस मिट्टी के लिए लगभग 52 मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है इसी थर्मल प्रबंधन के गलत नीतियों के खिलाफ। हम और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद में बीते रात जो है गोलीकांड हो जाने के बाद जो है काफी सरगर्मियां तेज है, और आपको बता दें कि लगातार जो है बीजेपी के नेता भी लगातार दौरे कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि कांटी एनटीपीसी के कारण जो है काफ़ी जो है लोगों को जिंदगी कैसे जीते थे वो भी आपको पहले के एक वर्ष पहले का आप वीडियो खोलकर देख सकते हैं। वही आपको बता दें कि गोलीकांड हो जाने के बाद जो है सियासत भी काफ़ी तेज़ है, और आपको बता दें कि युवा संघर्ष शक्ति के द्वारा भी लगातार कई बार जो है विशाल जन प्रदर्शन भी किया गया था, कई बार जो है आंदोलन भी की गई थी, छाई को लेकर हो या कोई भी योजना को लेकर युवा शक्ति के अनय राज जो है लगातार सभी जगह पर मॉनिटरिंग करते थे और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। ऐसे में जो है फिर से एक घटना जो घटी है आप बारीकी से आप समझ रहे होंगे, उस सभी चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अनय राज जी हैं। क्या कहेंगे, लगातार जो है आप कांटी के लिए आवाज़ बनकर निकलते थे और उसका समस्या का निदान करते थे, मगर जो है ये फिर से एक घटना घट गया गोलीकांड जिसमें एक राहुल नाम की युवक की मौत हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल की हत्या कांटी के लिए बहुत ही दर्दनाक है और निर्मम हत्या है, और उसको गोलियों की तड़तड़ाहट से जिस तरह से कांटी गूंजा है, इसमें एक बाप का पुत्र गया है, एक माँ का पुत्र गया है, और इस घटना की जितनी ही निंदा की जाए वो कम है, लेकिन दुख इस बात की है कि किसी का बेटा मरता है और उसके लाश पर जो राजनीति हो रही है, उस मृत जो लड़का है उसके परिवार का अब क्या होगा, उसके परिवार को मतलब क्या सुरक्षा मिलेगा, उसके परिवार को अभी चारों तरफ से दहशत का माहौल दिया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगों को कितना प्रशासन सुना है, कितना थर्मल प्रबंधन उसको सुना है, ये विषय है, और इस आखिर में वो धरना चल क्यों रहा था ये इसका मेन विषय है। इस विषय से भटका के और किसी को फंसा देना, किसी को हटा देना, इस पर जो राजनीति आके आज कांटी में टिक गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे कांटी प्रखंड वासियों को, जिले वासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को कहना चाहते हैं कि ये जो कांटी की जो ये हत्या हुई है एनटीपीसी पहले जितना गुंडा लोगों को पाल रखी थी, वो धीरे धीरे उस सारे गुंडा का छटाई हुआ है, और आपको बता दें ये एनटीपीसी का छाई हो प्रकाश जी, चाहे आपको है क्या कहते हैं कांटी थर्मल पावर का रैक हो, इस दोनों चीज पर किसका वर्चस्व था, किसका दबदबा रहा है और आज भी किसका दबदबा है, और जो अगर इस दबदबा से हटे हैं जो मजदूरों की अब चांदी जो होने लगी है, तो इनसे किनको छटपटाहट है ये पूरा कांटी जानता है। आज भी रैक पर कैसे मजदूरों का पैसा खाया जाता है, जो कांटी रेलवे रैक है, ये हम भी जानते हैं, पूरा कांटी का बच्चा जानता है, लेकिन आज किसी की पुत्र की हत्या होती है और उस हत्या को लोग राजनीति का रंग दे रहे हैं। हम जब न भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और न हम आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन दोनों पार्टी के आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको जातीय रंग न दे, इसको जाइए, किसी का पुत्र गया है, किसी का कोख उजड़ गया है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और इस कांटी और इस मिट्टी के लिए लगभग 52 मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है इसी थर्मल प्रबंधन के गलत नीतियों के खिलाफ। हम और हमारे साथी यहाँ पे अनशन धरना भूख हड़ताल 2010 से लेकर आज 2022 खत्म होके 23 में हम लोग हैं, तो अनेकों बार पूरे रग रग से वाकिफ है कि कहाँ सिस्टम में चोर है, 15 साल कौन एनटीपीसी को अपना तिजोरी का अड्डा बनाया, 10 साल कैसे एनटीपीसी को लूटने का काम किया, कैसे मजदूर के 500 रुपया और 400 रुपया में 200 कमीशन निकलता था, 100 कमीशन निकलता था, ये कांटी के तमाम मजदूर भी जानते हैं जो कमीशन देते थे, और कैसे गुंडा पंथी होता था, भय और खौफ की राजनीति कैसे होती थी। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि एनटीपीसी प्रबंधन, हमने अभी देखा है कोठिया वासियों का, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, हम एग्ज़ाम में व्यस्त थे और कुछ मुजफ्फरपुर से बाहर होने के कारण मैं कल यहाँ पर नहीं था, कोठिया वासियों की बुलाहट से मैंने आके देखा है कितना ये लोग परेशान है, बच्चा बीमारी का शिकार हो रहा है, सबके खाना में चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, सब में एक मोटी परत मतलब छाई की आ जाए, और छाई वो लोग ख़त्म करते हैं, बेड पर पूरा मोटी परत छाई का रहता
सकता है। इससे निदान पाने के लिए कुठियावासी त्राहीमान किए हुए हैं, क्योंकि उनको मजदूरी करते हैं तो 2 रुपये, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे तो दिल्ली हो, गुजरात हो, अब मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी काम करके उखा लेंगे। लेकिन थर्मल प्रबंधन ने अच्छी नीति, सरकार की अच्छी नीति थी उस समय, और इस प्रदूषण को यहाँ से मैदानी क्षेत्र में, नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ पर यह प्रदूषण निकलेगा तो हमेशा इस पर राजनीति होगी और इससे न जाने सैकड़ों हजारों लोग इससे बीमार होंगे और मरेंगे। तो इसका समाधान, लेकिन कौन समाधान नहीं होने दिया, कौन जमीन को रोके हुए है, ये जांच का विषय है। किसके कारण वो जमीन का अधिग्रहण फंसा हुआ है, ये कलेक्टर भी जानते हैं, यहाँ का नेता भी जानता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, और जो रोक रहे हैं, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी जानते हैं। तो कांटी का यह नगर परिषद विकास से क्यों बाधक बना हुआ है, क्यों इस पर RJD को राजनीति करना पड़ रहा है, क्यों इस पर जदयू राजनीति कर रहा है, क्यों इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, जिनका कुर्सी छिन गया वो क्यों छटपटाहट, ये सारा साफ साफ जनता समझ रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, कि आप तत्काल रूप से जो इस छाई का समस्या है, आप प्रबंधन से बात करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। अगर जब तक समाधान नहीं निकलता है तो यहाँ कोई भी हो, यहाँ का लोग का रोजी रोटी, चाहे वो ट्रैक्टर चला रहा हो, चाहे JCB चला रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजदूर है, वो अपना पेट भर रहा है, तो ये स्थानीय लोगों को उसका काम देना चाहिए। और स्थानीय लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं, अगर उनको मतलब कुपोषित हो रहे हैं, वो अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो 2 रुपया अगर कमा रहे हैं तो इससे कहीं से गुरेज नहीं है। और NTPC हमको नहीं लगता इस बात से डिनाई करेगा, NTPC के जो भी सीनियर अधिकारी है इस चीज़ को मानेंगे। मुद्दा बनाकर राजनीति करना, वो आ जाएंगे उसको फंसाने के लिए, कोई कहेगा मंत्री का राहुल को न्याय, राहुल को न्याय, इस तरह की राजनीति से राहुल को न्याय नहीं मिलेगा। हम दावे के साथ कर रहे हैं, जितने लोग जो लोग आके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, 5,000 रुपया नहीं निकलता है। अब पप्पू यादव पर उंगली उठा रहे हैं, पप्पू यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर गरीबों की, अकलियत की, शोषितों की आवाज़ बनने का काम करता है पप्पू यादव, और जेल जाने की बात करते हैं, वैसे लोग पप्पू यादव को जेल की बात करते हैं। मेरे ऊपर 52 केस है और उसमें 27 से 28 मुकदमा पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने हम पर कराया है, चाहे थर्मल का 10 हम पर केस है, तो क्या हम जेल गए तो हम भी अपराधी हो गए? आपकी न जाने, हम बोलना आपके माध्यम से भी, हमको उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, न जाने कितने हत्या आपके शासनकाल में हुआ है, कितने माँ का बेटा का कोख उजर गया है, ये चीजें आपको दिखता है, कांटी का जनता भी दिखा है। संकल्पित होके हमें किसी सफेद पोशा, किसी अगर दोषी कोई यहाँ का बड़ा से बड़ा नेता हो, उसको भी पुलिस जांच करे। अभी भी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ थे, हमने उनको अनुसंधान में पूरा मदद किया है और लगातार हमारी टीम भी मदद कर रही है। दोषी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, साजिश कर, दोषी तो पकड़ा गया है, साजिश करता कौन है, किसने उस बच्चे, जो लड़का है अपराधी है, उसको फंड किसने दिया, पैसा किसने दिया इस घटना को अंजाम करने देने के लिए, उसका बस चिन्हित करना बाकी है। निश्चित तौर पे ईमानदारी से काम होगा और वो जो फंड जो दिया है, जो आंदोलन को कुचलने की नियत से, स्थानियों को इस कोठियां का जो ये रोजगार का रास्ता है इसको हटाने, और बाहरी लोग जो इसमें हस्तक्षेप किए हैं, तो उन बाहरी लोगों का अगर हस्तक्षेप होगा वो जांच में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और निश्चित तौर पर बहुत सारे सामाजिक लोग ने कहा है कि कॉल का CDR, तो निश्चित तौर पर CDR जब निकलेगा तो सारा का CDR निकले और CDR से पता चलेगा कि उस अपराधी को कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ेगा किसे, और राहुल इंसाफ मिलेगा। राहुल के परिवार को चूंकि कहीं ना कहीं NTPC और छाई प्रकरण में हत्या हुई है, तो उस राहुल के परिवार को, उसके छोटा भाई हो या उससे बड़ा भाई हो या उसके पिता हो, NTPC जो सरकारी है, कुछ नेता गए थे उनसे वार्ता किए, हमारे संगठन के लोग भी गए थे, तो जो NTPC सरकारी है उसको तत्काल रूप से उसके परिवार को एक नौकरी दे, और नहीं देगी तो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष, नगर इकाई की टीम है YSS की, वो लोग रूपरेखा बनाएंगे और निश्चित तौर पर आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जिला प्रशासन से लेके और बिहार सरकार तक आंदोलन करने का काम करेंगे।